Good morning, children. How are you all? I hope you all are well at home. तो चलिए आज की हिंदी क्लास शुरू करते हैं. आज की हिंदी क्लास में हम उड़ान बुक के सातवें अध्याय सबसे तेज कौन की दोहराई करेंगे. तो चलिए इस पाठ की पुनरावृत्ति स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले किसी जंगल में एक शेर रहता था. जंगल का राजा कौन होता है? शेर. तो किसी जंगल में एक शेर रहता था जिसके मन में एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मन में प्रश्न उठता है कि जंगल के इन सारे जानवरों में से सबसे तेज कौन दौड़ता है. तो शेर के मन में जो प्रश्न उठता है कि जंगल के इन जानवरों में से सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए जो शेर होता है वो अपने मंत्री गीदड़ को बुलाता है. शेर के अपने अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए किसको बुलाया था? शेर ने अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया था. तो देखो इस पिक्चर में प्यारे बच्चों आपको क्या दिख रहा है, एक शेर है और उसका मंत्री गीदड़ है. तो अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए शेर अपने मंत्री गीदड़ को बुलाता है. तो गीदड़ क्या करता है आकर, आइए देखते हैं गीदड़ ने राजा से क्या कहा था. तो गीदड़ राजा के प्रश्न का क्या उत्तर देता है ये हम इस प्रश्न में पढ़ेंगे. गीदड़ ने राजा से क्या कहा था? क्या कहा था गीदड़ ने राजा से? कहा, यह तो बहुत आसान है, हम जंगल के जानवरों की एक दौड़ करवाएंगे. उस दौड़ में जो भी प्रथम आएगा वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होगा. तो राजा जो होता है शेर, वो गीदड़ के इस प्रश्न को सुनकर बहुत खुश होता है और वो सारे जानवरों की एक दौड़ करवाने का ऐलान कर देता है. देखो इस पिक्चर में सारे जानवरों की दौड़ हो रही है. तो दौड़ के अंत में कौन से जानवर बच गए? तो पहले दौड़ स्टार्ट होती है, बारी बारी सबकी टर्न आती है. पहले हाथी दौड़ता है, खरगोश दौड़ता है, ऐसे ही सबकी बारी जब हो जाती है तो लास्ट में कौन बच जाते हैं, दौड़ के अंत में कौन से जानवर रह जाते हैं? दौड़ के अंत में चीता और बारहसिंगा बच गए. तो लास्ट में ये दोनों जानवर बच जाते हैं, शेर, चीता और बारहसिंगा. अंत में कौन से जानवरों की दौड़ हुई? दोबारा रिपीट यही वाला क्वेश्चन कि अंत में कौन से जानवरों की दौड़ होती है. तो अंत में किसकी दौड़ हुई थी? अंत में चीते और बारहसिंगा की दौड़ हुई. देखो पिक्चर में कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको, बारहसिंगा और चीता. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन घायल हो गया था? जब दौड़ हो रही होती है तो किसको चोट लग जाती है, कौन घायल हो जाता है? तो बारहसिंगा जो था घायल हो गया. तो ये जब भाग रहा होता है तो इसके रास्ते में एक पत्थर आ जाता है. दौड़ के जोश में वह उस पत्थर को नहीं देख पाता और उससे टकराकर गिर जाता है. तो उसको चोट लग जाती है जिस कारण ये इस पिक्चर में बैठा हुआ है. बारहसिंगा कैसे घायल हो गया? तो बारहसिंगा पत्थर से टकराकर घायल हो गया. पिक्चर में देखो पत्थर पड़ा है और जो बारहसिंगा है वो पत्थर से टकराकर घायल हो गया है. क्या चीते ने दौड़ पूरी की? नहीं, चीते ने दौड़ पूरी नहीं की क्योंकि उसका मित्र घायल हो गया था. वह उसे छोड़कर दौड़ पूरी नहीं करना चाहता था, जबकि बाकी जानवर जो थे वो चीते को अपनी दौड़ पूरी करने के लिए कहते हैं. पर चीता क्या कहता है कि नहीं, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा. क्या शेर को चीते की बात सुनकर गुस्सा आया था? जब चीता कहता है कि नहीं मैं दौड़ पूरी नहीं करूंगा, तो क्या शेर को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया था? नहीं, शेर को चीते की बात सुनकर गुस्सा नहीं आया था, बल्कि शेर ने चीते की पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दी थी कि उसने क्या कहा था कि मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा. तो इस बात पर उसने चीते की पीठ थपथपाई थी. पीठ थपथपाई मीन्स शाबाशी दी थी. सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? अब आपने पूरी स्टोरी देख ली,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उन सब में से सब तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। यस, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। क्या बारहसिंगा को हारने का कोई दुख था? नहीं, बारहसिंगा को हारने का कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि उसे एक सच्चा मित्र जो मिल गया था। कौन सा सच्चा मित्र मिल गया था? यस, चीता। चीता जो था एक सच्चा मित्र था। वो अपने मित्र को घायल देखकर उसकी सहायता करता है, उसे छोड़कर अपनी दौड़ पूरी नहीं करता। तो इस तरह बारहसिंगा हार कर भी खुश था, क्योंकि उसे एक सच्चा मित्र मिल गया था। अब हम इसी कार्य को अपने नोटबुक वर्क के रूप में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे आज की डेट डालेंगे और इसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन में कक्षा कार्य, सेकंड लाइन में पार्ट 7 उड़ान, थर्ड लाइन में प्रश्न उत्तर। जंगल के राजा शेर के मन में क्या प्रश्न उठा? जंगल के राजा शेर के मन में यह प्रश्न उठा कि जंगल के इन जानवरों में से सबसे तेज कौन दौड़ता है। नंबर 2, बारहसिंगा कैसे गिर गया? आंसर, दौड़ के जोश में बारहसिंगा रास्ते में पड़े पत्थर को ना देख सका और टकराकर गिर गया। अंत में कौन जीता? थर्ड क्वेश्चन क्या है, अंत में कौन जीता? आंसर, अंत में चीता जीता। क्वेश्चन नंबर 4, बारहसिंगा को हारने का दुख क्यों नहीं था? बारहसिंगा को हारने का दुख इसलिए नहीं था क्योंकि उसे एक सच्चा मित्र जो मिल गया था। अब हम इसी पार्ट के वाक्य बनाओ करेंगे। आप जहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर समाप्त हुए हैं उसी के नीचे आप वाक्य स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रथम। मैं कक्षा में प्रथम आया हूँ। प्रथम मीन्स फर्स्ट, पहले नंबर पर। तो ज़रूरी नहीं है आपने यही वाले बनाने हैं, आप अपनी तरफ से कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। नंबर 2, शेर। शेर ने चीते की पीठ थपथपाई। नंबर 3, जानवर। हाथी जंगली जानवर है। नंबर 4, तेज। घोड़ा तेज दौड़ता है। नंबर 5, दौड़। मैंने दौड़ में हिस्सा लिया। तो ये थे आपके 5 वाक्य बनाओ। प्यारे बच्चों, आपको ये दोनों काम, प्रश्न उत्तर और वाक्य बनाओ, अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में ये काम आपको करना है। और इसी काम को आपको अच्छे से लर्न करके अपनी रफ नोटबुक में लिखकर इसका अभ्यास करना है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।